आदाब दोस्तों, मैं हूं अमीर वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी प्राइम टाइम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदाकार की जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाते हुए खुद को मनवाया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टार अजीत की, जिन्होंने वारंगल से राह फरार इख्तियार करते हुए शहर मुंबई को अपना मस्कन बना लिया था, जब मुंबई शहर को बम्बई कहा जाता था। ताहम इस अदाकार ने किस तरह अपनी ज़िंदगी के पहिए को आगे बढ़ाते हुए बतौर एक्टर, हीरो, बतौर मेहमान अदाकार और साथ ही विलनों का रोल अदा करते हुए खुद को फिल्म इंडस्ट्री से जोड़े रखा और वो कामयाबी हासिल की जो बहुत कम लोगों के नसीब में आती है। अजीत का नाम फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि उनकी गरजदार आवाज़ और लंबा खद लोगों को डराने के लिए काफ़ी हुआ करता था। ताहम हमने आपके लिए ये प्रोग्राम तश्कील दिया है ताकि आप तफरी से महजूज हो सकें। आइए अजीत की ज़िंदगी पर देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की मुंबई से ये खास रिपोर्ट। कोई फिल्मी अदाकार हो या किसी कहानी का हीरो, अवाम के जहनों में वो हमेशा जिंदा रहता है और कभी नहीं मरता। हीरो को हमेशा पर्दे पर ऐसे किरदारों में गैर मरई शख्सियत के तौर पर पेश किया जाता है, जिसे देखकर तमाशबीन हैरत में पड़ जाते हैं। इसकी कुव्वत और ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो अकेला ही सैकड़ों लोगों पर भारी होता है। आम तौर पर इसका किरदार बहादुरी, दिलेरी और नाकाबिले यकीन जहानत वो फतानत से भरपूर होता है। सन 1945 की बात है, जब तेलंगाना की सरजमीन से उठकर बम्बई शहर जाने वाले मशहूर और मारूफ अदाकार अजीत ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उस वक्त की बनने वाली फिल्मों में छोटे छोटे किरदार अदा करने लगे। जालिम कहना मान, लचकते चलना खाकर पान, कतल हम हो गए नैना वाले, तेरा क्या गया। अगर हम अजीत की जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो हमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि उनका खानदान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आकर बस गया था। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश से हिजरत करके उनके वालिद रियासत तेलंगाना के जिले वारंगल में आ बसे, जिसके दो साल बाद वो हैदराबाद मुंतकिल हुए और यहीं पर अजीत का जन्म हुआ। थंदी थंदी रेत में शहर हैदराबाद में उनके मामू सिनेमा घरों में कैंटीन चलाते थे, तो चोरी छुपे अजीत मुफ्त में फिल्में देखने सिनेमा घरों का रुख करते। सहगल की फिल्मों ने उनके दिलो जहन पर ऐसे नखोज छोड़े कि उन्होंने ठान लिया कि अब वो फिल्मों में काम करेंगे। हालांकि स्कूल और कॉलेज में वो एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी माने जाते थे। 6 फुट ऊंचे, आवाज में भला की तमकनत उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। हीरो बनने के शौक में उन्होंने कॉलेज को खैराबाद कहा और अपनी किताबें बेचकर नामपल्ली स्टेशन आ गए। उस जमाने में हैदराबाद से बम्बई जाने के लिए बम्बई एक्सप्रेस हुआ करती थी। वो ट्रेन में बैठ गए और बम्बई चले आए। कुछ अपनी निशानी दिए जाना, दिल खुद ही बनेगा निशाना, तुम इतना ना हम पे सितम ढाना, गोरी इतना ना हम पे सितम ढाना। 110 रुपए लेकर बम्बई आने वाले अजीत का असली नाम हामिद अली खान था। उन दिनों जानी वाकर भी फिल्मों में किस्मत आजमा रहे थे। जिस होटल में वो ठहरे थे वहाँ रोजाना कई अफराद हीरो बनने के लिए आते थे। ऐसे में जानी वाकर से उनकी दोस्ती हो गई। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं, क्यों चाहने वालों के अरमां मट्टी में मिलाए जाते हैं,
भगवान तुम्हारी दुनिया में। सन 1945 से 1949 तक अजीत ने दो तीन फिल्मों में छोटे छोटे रोल अदा किए। जब उनके पास खाने के लिए रुपये ना रहे तो वो थोड़ा परेशान हो गए। ऐसे हालात में जानी वाकर ने उन्हें के अमरनाथ से मिलवाया, जिन्होंने अजीत को देखा तो देखते ही रह गए। हैंडसम, गोरा चिट्टा, लंबा तड़ंगा नौजवान उनके सामने खड़ा था और कह रहा था कि मेरा नाम हामिद अली खान है, मैं हैदराबाद से हीरो बनने आया हूँ। ताहम के अमरनाथ ने उन्हें बतौर हीरो साइन किया और माहिदा हुआ कि वो हर माह उन्हें 1000 रुपए देंगे। इस तरह मधुबाला और अजीत को लेकर अमरनाथ ने फिल्म बेकसूर बना डाली, जो हिट साबित हुई। मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है, बहारे बहारे चार दिन की फिर फिजा। मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है। अजीत की डायलॉग डिलीवरी लाजवाब थी। उनके शाहाना अंदाज को लोग खूब पसंद करने लगे। अब उन्हें फिल्मों में काम करते हुए मजा आने लगा था। वो धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगे। इसी दौरान उनकी कई फिल्में आईं जो नाकाम साबित हुईं। ढोलक तरंग, मोती महल, आनंद मठ, सम्राट जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। कभी मरकजी किरदार तो कभी माविन अदाकार के तौर पर अजीत अपने करियर को संभाला देते रहे। फिर सन 1954 में उनकी फिल्म आई नास्तिक, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। लोग एक गीत देखने के लिए इस फिल्म में दिलचस्पी लेने लगे और उन पर फिल्माया गया ये गीत काफी मकबूल हुआ था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अजीत उर्दू मुकाले में बड़ी उमदगी से अदा करते थे। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अपनी खुफिया सलाहियतों का अवाइल उम्र में ही इदराक हो जाता है, और जब ये सलाहियतें माश का जरिया बन जाएं तो इस खुशनसीबी की इंतहा नहीं होती। अजीत ने हमेशा अपने रूल्स से इंसाफ किया है। हर फिल्म में उनका एक नया रूप, हर मंजर में एक नया अंदाज। किसी फिल्म में मायूस नौजवान जिसे नौकरी से निकाला जा रहा है और कशीदा आसाब के साथ बेबसी की तमाम तारीकियां अपने लरसते वजूद में उतारते हुए अपनी बेबसी को पर्दे सीमी पर इस तरह जाहिर कर रहे थे कि ये दर्द उनका नहीं बल्कि सारे देश का है, हर उस नौजवान का है जो बेरोजगार है और फाखा कशी पर मजबूर है। इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। इंतजार में जाने को है बहार भी। हैदराबादी अवाम बखूबी जानते हैं कि अजीत अपनी जाती जिंदगी में बहुत नरमगो और हलीम आदमी थे। उन्हें गुस्सा करते बहुत कम लोगों ने यहाँ देखा है। उनका फिल्मी सफर जारी था कि उनके हिस्से में एक और फिल्म आई मान, उसके बाद तीरंदाज, शहजादा, नखाब। सन 1955 में जीपी सिप्पी ने उन्हें बीना राय के साथ फिल्म मैरिन ड्राइव में बतौर हीरो साइन किया, जिसमें उनकी अदाकारी को खूब पसंद किया गया और इस फिल्म के गीत भी काफी मकबूल हुए थे। मुझको न कोई होश न गम, मैं नशे में हूँ। अब वो करम करे कैसे तुम, मैं नशे में हूँ। अजीत ने दर्जनों फिल्मों में अदाकारी की। किसी फिल्म में एक ऐसे भाई का रोल अदा किया जिसकी बहन हरधर्म शौहर के जुल्म का शिकार है और ये जहनी अजियत भाई के रगो पे में सराहत करती जाती है और भाई सोचता रहता है कि कैसे अपनी बहन को इसके चुंगल से आजाद करवाया जाए। अजीत दुश्वार मरहले की कश्मकश वाली अदाकारी करते हुए अपने रोल में जान डाल देते थे। जिसका जूता उसी का सर, दिल है छोटे बड़ा शहर, अरे वाह अरे वाह तेरी बम्बई, खाया धोखा गए जिधर, देखो किस्मत फंसे किधर, अरे वाह अरे वाह तेरी बम्बई,
अजीत का फिल्मी सफर 50 सालों पर मुहित है, जिसके लिए कई प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। उनकी जाती जिंदगी के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बंबई में रहने के बाद भी वो हर माह पाबंदी से हैदराबाद आया करते थे। गोलकुंडा में आज भी उनका वो घर मौजूद है जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा। उन्हें अपने शहर से काफी मोहब्बत थी। सन 1956 में उनकी एक और फिल्म आई हलाकू, जिसमें उनके साथ मीना कुमारी और प्राण ने स्क्रीन शेयर किया था। ये फिल्म धमाकेदार हिट साबित हुई। इसके बाद अजीत हिंदी फिल्मों के मशहूर और मारूफ अदाकार कहलाने लगे। जब उनसे पूछा गया कि वो हैदराबाद से मुंबई तक का सफर किस तरह और किन मुश्किल हालात से गुजर कर पूरा किया, तो अजीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, हाय दिल है सादा तबीयत है रंगीन, दिल है सादा तबीयत है रंगीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन। एक फनकार पैदाइशी तौर पर फनकार होता है या बाद में खुद ब खुद बन जाता है? इस सवाल को कई मर्तबा उठाया गया है और इस पर हमेशा बहस होती रही है कि आप कहां से उठकर कहां चले आए। मेरा अपना ख्याल है कि ऊपर वाले ने हर फर्द के अंदर कुछ सलाहियतें वदयत कर रखी हैं। अब ये उस फर्द का काम है कि उन्हें दरियाफ्त करे और उन्हें उजागर करे। हाए दिल को लगा के मस्त हुए बदनाम। सन 1957 में दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्म आई नया दौर, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसमें उनकी अदाकारी को पसंद किया गया। यहां तक आते आते उनकी दोस्ती दिलीप कुमार से काफी गहरी हो गई। जब भी ये दोनों शूटिंग पर नहीं होते तो अजीत दिलीप कुमार के बंगले में होते। आपको ये इल्म नहीं होगा कि अजीत दिलीप कुमार के लिए हैदराबादी बिरयानी पकाते और सारा घर इस बिरयानी को मजे ले लेकर खाता। हालांकि दिलीप कुमार का बावर्ची अपने साहब से कहता कि अजीत को तकलीफ क्यों दे, मैं बना देता हूँ, लेकिन दिलीप कुमार मना कर देते और अजीत बिरयानी बनाते हुए ये यही पर किताबें छप चुकी हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। अगले इतवार बहुत सी ऐसी ही बातें हम आपको अजीत की जिंदगी पर बताएंगे जिन पर रास के पर्दे पड़े हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहे। आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है।